त्रिभुज का बाह्य कोण यानी कि बहिष्य कोण, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाने पर त्रिभुज एबीसी का बाह्य कोण कोण एसीडी प्राप्त होता है। रैखिक युग्म अभिगृहित से हम लिख सकते हैं कि कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। समीकरण 1, त्रिभुज एबीसी के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, अतः कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर कोण 3 धन कोण 4 या कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 4। हम इस परिणाम को इस प्रमेय के रूप में लिख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दोनों अंतः अभिमुख यानी कि विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। उपर्युक्त प्रमेय को बाह्य कोण प्रमेय भी कहते हैं। इस प्रमेय से यह स्पष्ट है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। कथन 1, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। हल, दिया गया है कि चतुर्भुज एबीसीडी के कोण कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी हैं। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। चित्रानुसार चतुर्भुज एबीसीडी के कोण ए को कोण सी से मिलाते हुए रेखाखंड एसी खींचा। इस तरह चतुर्भुज दो त्रिभुजों त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज एबीसी में बट जाता है। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के कोण योग गुण से कोण 1 धन कोण 6 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। समीकरण 1, इसी तरह त्रिभुज एडीसी में त्रिभुज के कोण योग गुण से कोण 2 धन कोण 5 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर कोण 1 धन कोण 6 धन कोण 4 धन कोण 2 धन कोण 5 धन कोण 3 बराबर 360 अंश, या कोष्टक में कोण 1 धन कोण 2 धन कोष्टक में कोण 3 धन कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6 बराबर 360 अंश, या कोण ए धन कोण सी धन कोण डी धन कोण बी बराबर 360 अंश, अर्थात कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि आप किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग उस बहुभुज को त्रिभुजों में विभक्त करके ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरणार्थ यह सारणी देखें। अब हम यह कह सकते हैं कि n भुजा वाले बहुभुज को एक उभयनिष्ठ शीर्ष वाले n ऋण 2 त्रिभुजों में विभक्त किया जा सकता है। इसलिए n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर n ऋण 2 गुणित 180 अंश होगा।